भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती रविवार को सद्भावना दिवस के रूप में मनाई गई। इस दौरान पुष्पांजलि के साथ जगह जगह उनका भावपूर्ण स्मरण किया गया। श्रद्धांजलि सभा में नेताओं ने कहा कि राजीव को 21वीं सदी के शक्तिशाली व विकसित राष्ट्र के नायक के तौर पर हमेशा याद किया जाता रहेगा। इसके बाद अस्पतालों व आश्रमों में दिव्यांगों, बेसहारा मरीजों को फल व मिठाई बांटी गई। आनंद भवन में सुबह 10 बजे कांग्रेसियों ने राजीव गांधी के चित्र पर माल्यार्पण करने के बाद राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान पर विस्तार से चर्चा की। गंगा पार कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुरेश यादव ने कहा कि उन्होंने आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन का क्रांतिकारी कदम उठाया था। प्रदेश महासचिव मुकुंद तिवारी विवेकानंद पाठक ने युवाओं, महिलाओं को अधिकार संपन्न बनाने की उनकी चिंता का जिक्र किया। इस दौरान अध्यक्षता शहर अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा अंशुमन ने किया। देखिए, राजीव गांधी जी की जयंती पर आज कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता उनके पैतृक आवास आनंद भवन पर उनका स्मरण कर रहे हैं। राजीव गांधी जी की जयंती पर उनके किए हुए कार्यों पर यहां गोष्ठी का आयोजन भी किया जा रहा है। राजीव गांधी जी ने जिस तरीके से देश के लिए अपना बलिदान देने का काम किया, अपने प्राणों की आहुति देने का काम किया, उनके उस बलिदान को आज कांग्रेस के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता याद करने का काम कर रहे हैं। देश के लिए एक प्रेरणा का स्रोत थे राजीव गांधी जी, युवाओं के लिए एक आदर्श के रूप में थे राजीव गांधी जी। तो राजीव गांधी ने इस देश की एकता और अखंडता को बनाने के लिए अपने प्राण की आहुति देने का काम किया। राजीव गांधी जी के इस जयंती पर हम उनका स्मरण कर रहे हैं, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए उनको याद कर रहे हैं। जी, आज किसकी यहाँ पे जयंती मनाई जा रही है? जी देखिए, आज आनंद भवन पर हम लोगों ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, सूचना क्रांति के जनक आदरणीय राजीव गांधी जी की जयंती हम लोगों ने मनाई है। राजीव गांधी जी युवा हृदय सम्राट थे, भारत के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने इस देश के लिए बहुत सारा काम किया, विशेषकर युवाओं के लिए। युवाओं को जो आज 18 साल में जो है वोट देने का अधिकार है वो राजीव गांधी जी ने दिया। जो संचार क्रांति हिंदुस्तान में पूरी तरह फैली है वो राजीव गांधी जी ने दिया। हम लोग उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। जितेश मिश्रा, राष्ट्रीय संयोजक, NSU।